आज की इस वीडियो में हम लोग पटना हाई कोर्ट के द्वारा निकाली गई वैकेंसी स्टेनोग्राफर के बारे में समझते हैं। हालांकि ये वैकेंसी काफी पहले से है, 8 मार्च से आपका अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम इस स्टेनोग्राफर में कंप्यूटर सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, और कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट होगा तो कौन से फॉन्ट पर होगा और कितना आपका स्पीड होगा वो समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हेडिंग, इसके अलावा ये एडवर्टाइजमेंट आपका अप्लाई शुरू हुआ है 8 मार्च से और इसका लास्ट डेट है आपका 29 मार्च, ठीक है। इसके बाद ऑनलाइन फी पेमेंट करने का 31 मार्च तक है और एग्जाम का डेट अभी तक नोटिफाई नहीं किया है। चलिए यहाँ से थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जब इस वैकेंसी को नोटिफिकेशन को चेक कीजिएगा, आसानी से सब कुछ आपको समझ में आएगा। टोटल अगर इस वैकेंसी में पोस्ट की अगर बात करें तो 129 यानी 129 सीट है आपका। इसके बाद थोड़ा सा अगर इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाना चाहते हैं, यहाँ पर शो कर रहा होगा patnahighcourt.gov.in, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा हम स्क्रॉल करते हैं, ये आपका योग्यता ये होना चाहिए आप में, तब इस फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे। थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से फिजिकल फिटनेस को लेकर है। इसके बाद एज लिमिट है, अगर आप जनरल हैं या EWS कैंडिडेट हैं मेल तो 37 ईयर्स आपका मैक्सिमम एज दिया हुआ है। इसके बाद थोड़ा सा और हम यहाँ से मेन हम लोगों को चेक ये करना है कि कंप्यूटर पे टाइपिंग टेस्ट का स्पीड क्या होना चाहिए और दूसरा कंप्यूटर से क्या क्या सब्जेक्ट आपका पूछा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका शो कर रहा है कि सबसे पहले तो इंटर पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, ठीक है। इसके बाद आपके पास इंग्लिश शॉर्ट हैंड और इंग्लिश टाइपिंग का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, ठीक है। यानी कहीं पे भी आप, जहां पर भी आपका लोकेशन होगा उस लोकेशन में बहुत सारे जगह में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होगा, वहां से आप शॉर्ट हैंड का डिग्री या कंप्यूटर या इंग्लिश टाइपिंग का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट एटलीस्ट 6 मंथ कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और यानी शॉर्ट हैंड का आपके पास तो सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसके अलावा कम से कम 6 मंथ का कंप्यूटर का अगर आप कोर्स किए हैं तो वो भी आप सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर रहना चाहिए। मतलब क्या, इंटर पास होना चाहिए, इसके अलावा टाइपिंग और शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट होना चाहिए और कंप्यूटर का भी आपका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो मिनिमम 6 मंथ का हो। मैक्सिमम हो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम आपका 6 महीना का होना चाहिए। और इसके बाद इंग्लिश शॉर्ट हैंड का अगर स्पीड पूछा जाए तो इसका मिनिमम स्पीड है 80 वर्ड पर मिनट, यानी 80 वर्ड पर मिनट आपको लिख देना, यानी 1 मिनट में 80 वर्ड आपका मिनिमम स्पीड मांगा है। और इसके अलावा मिनिमम स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग, यानी अगर आप इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तो 40 वर्ड पर मिनट यानी मिनिमम है। मिनिमम समझ रहे हैं, यानी कहने का मतलब 40 वर्ड यानी 1 मिनट में 40 वर्ड आपको टाइप करना है, और ये इतना मिनिमम है आप मैक्सिमम जहां तक कर सके। क्योंकि अगर आप 40 वर्ड पर मिनट ही अगर आपका टाइपिंग होता है तो जब बहुत सारा कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट देंगे ना तो बहुत लोग ऐसे हैं जिसका 45 होगा, 50 होगा, 55 होगा, तो इस कारण से हाईएस्ट जा सकता है, मिनिमम आपका इतना रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका टाइपिंग स्पीड, हालांकि इंग्लिश टाइपिंग कंप्यूटर पर थोड़ा इजी होता है, हिंदी टाइपिंग अगर रहता तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और हिंदी टाइपिंग में क्या होता है कि फॉन्ट होता है, लेआउट होता है, बताया जाता है कि इस लेआउट पर होना चाहिए, लेकिन अगर आपका इंग्लिश टाइपिंग अगर पूछा गया है तो इंग्लिश टाइपिंग में लेआउट पर फर्क नहीं पड़ता है, जो कीबोर्ड में दिखाई देता है जो भी लेटर सेम उसी तरह से वहां पर भी टाइपिंग किया जाता है। तो ये तो था आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके बाद आपका यहाँ से थोड़ा सा नीचे आते हैं, जो एग्जाम में क्या क्या आपका पूछा जाएगा, जैसे मोड ऑफ सिलेक्शन में तो सबसे पहला है आपका रिटेन टेस्ट, ठीक है। सबसे पहला क्या होना चाहिए, रिटेन टेस्ट होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ठीक है, बेस्ड होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉलोड बाय इंग्लिश शॉर्ट हैंड या कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। ये तो पहले हम चर्चा कर चुके। देखिए यहाँ से 7 नंबर पॉइंट पे आपका क्या लिखा हुआ, मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड
40% इन ऑब्जेक्टिव रिटेन टेस्ट में होना चाहिए और 85% एक्यूरेसी होना चाहिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग में और 90% एक्यूरेसी होना चाहिए इंग्लिश टाइपिंग में। एक्यूरेसी का मतलब ना कि आप शुद्धता, यानी कहने का मतलब है ना कि जैसे 100% होता है तो 10% से आप ज्यादा गलती नहीं कर सकते, मतलब 90% आपको सही टाइपिंग करना होगा, ठीक है। और 30% इन इंटरव्यू, यानी 30% आपका इंटरव्यू में दिया गया है। और सिलेबस क्या होगा एग्जामिनेशन का, तो देखिए सबसे पहला है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज से और ग्रामर से क्वेश्चन आपका मिलेगा। और दूसरा पॉइंट में देखिए लिखा हुआ बेसिक कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो बेसिक कंप्यूटर साइंस में, यानी कंप्यूटर साइंस में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो कंप्यूटर का टाइपिंग चाहिए, कंप्यूटर का डिग्री चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज भी आपका होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे पहला है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के इस हिस्ट्री से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, मतलब इतिहास, यानी जो कंप्यूटर हम अभी यूज कर रहे हैं इससे पहले किस किस टाइप का कंप्यूटर था उसके बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजीज, यानी ये फंडामेंटल जो होता है ऐसे बुक से भी पढ़ सकते हैं, और अगर कहीं पे भी अगर आप कंप्यूटर आप सीखे हैं किसी इंस्टीट्यूट पर सीखे हैं तो शुरुआत में फंडामेंटल ही बताया जाता है, जैसे कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के बारे में बताया जाता है, प्रोसेसिंग, आउटपुट डिवाइस के बारे में, मेमोरी सेक्शन के बारे में बताया जाता है, जनरेशन पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, ये सब सारा जितना भी है फंडामेंटल में होता है और फंडामेंटल से क्वेश्चन सबका पूछा जाएगा। अगर आप नहीं कहीं पर सीखे हैं तो कोई भी बुक परचेज कर लीजिएगा, शुरुआत में कंप्यूटर का बुक में जो स्टार्टिंग में रहता है वो फंडामेंटल ही रहता है, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर एब्रिविएशन, यानी कंप्यूटर का पूरा नाम रहेगा, बहुत सारा फुल फॉर्म होता है ना, बहुत सारा, जैसे रैम का पूरा नाम क्या है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है, यूपीएस का पूरा नाम क्या है, इन सब इस तरह से फुल फॉर्म से भी आपका क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, आपको पता है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर ही डिपेंड है, तो हार्डवेयर सेक्शन से भी बेसिक, पूरा हार्डवेयर पूरा डीप में नहीं, बस बेसिक रहेगा हार्डवेयर का और इसके अलावा सॉफ्टवेयर का, यानी उससे जो क्वेश्चन बनता है वो आपको मिलेगा। इसके अलावा कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में रहेगा, जैसे कीबोर्ड शॉर्टकट में जैसे ओपन का शॉर्टकट की क्या हो सकता है, प्रिंट करने का शॉर्टकट की क्या हो सकता है, इसी तरह मैक्सिमम जो ज़्यादा यूज होने वाला जो शॉर्टकट की है कंप्यूटर पर उसके बारे में पूछा जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक, जैसे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, ऐसे तो ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों को पता होगा विंडोज यूज किया जाता है, तो विंडोज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा, डॉस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, बेसिक में रहेगा। इसके अलावा बेसिक फंक्शनलिटीज ऑफ एमएस ऑफिस, जैसे वर्ड का क्वेश्चन होगा, एक्सेल का क्वेश्चन होगा और पावर पॉइंट का होगा, जो ऑफिस वर्क के लिए जिस एप्लीकेशन का हम यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसमें आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सबसे क्वेश्चन रहेगा। इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेस, इंटरनेट के बारे में रहेगा, इंटरनेट जो पढ़ते हैं, ऐसे तो बहुत सारे लोग मोबाइल पर भी इंटरनेट चलाते हैं लेकिन क्वेश्चंस उसी से बनेंगे। इसके अलावा नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशंस, नेटवर्किंग का क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि लैन, मैन, वैन, किस किस टाइप का हम नेटवर्क यूज करते हैं, वो सब सारा के बारे में रहेगा। इसके अलावा सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस के बारे में रहेगा, यानी कहने का मतलब है कि अगर आप 6 मंथ का कहीं पे भी कंप्यूटर का कोर्स किए हैं, 6 मंथ में तो ज़्यादातर कहीं पर भी एक बेसिक अगर कहीं कंप्यूटर आप सीखे हैं तो ये सब चीज़ आपको बताया जाता है, इंटरनेट पढ़ाया जाता है, एमएस ऑफिस पढ़ाया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड शॉर्टकट्स बताया जाता है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। यानी अभी भी अगर आपको जानकारी नहीं थे किसी कंप्यूटर से ज्वाइन कर लीजिए, कुछ ना कुछ आपको बेसिक मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर बुक भी पढ़ना चाहे तो बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पर टाइपिंग भी है, क्योंकि ये तो रीड करने से आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन सही कर देंगे, लेकिन जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो आपको खुद से करना होगा, इसलिए इससे ज्यादा टाइपिंग पर आप फोकस करें और एग्जाम पास करने के लिए इस पर भी आपको फोकस करना होगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि पटना हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर की वैकेंसी में कंप्यूटर से क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है, और टाइपिंग में क्या स्पीड होना चाहिए, आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।